गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज ही हमारी एक्टिविटी दशहरे से रिलेटेड है। आज हम सॉल्ट पेंटिंग करना सीखेंगे। पहले आपको क्या करना है, ये मैंने एक पिक्चर बनाई है दुर्गा माँ की, इसके ऊपर आपको ग्लू लगाना है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, ऐसे ऐसे बॉर्डर है वहाँ वहाँ पे ग्लू लगाना है आपको। आप देख सकते हो इस तरीके से आपको ग्लू लगाना है। अब इसके ऊपर क्या करना है, आपको जो नमक होता है उसको इसके ऊपर स्पार्कल करना है, स्प्रिंकल करना है ऐसे। तो क्या होगा, ये पेस्ट हो जाएगा। और फिर जो भी एक्स्ट्रा है उसको आपको हटा देना है। आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके का लगेगा। अब हमें क्या करना है, इसको कलर करना है। आप इसके लिए जो है कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो। पहले इसको क्या करना, आप सॉल्ट को जो है आप जब ग्लू से लगाओगे तो इसको सूखने देना। और ये जो आप देख रहे हो ये भी क्या है, ये पानी के निशान है। मतलब जब ये कलर सूखेगा तो अपने आप ये निशान भी जो है हट जाएंगे। आप देख सकते हो मैं कैसे कर रही हूँ, मैंने इसको पहले क्या किया था, सुखा लिया था। फिर इसके ऊपर आपको हल्का हल्के हल्के ब्रश से इसको पेंट करना है। आप देख सकते हो पेंट हो रहा है। फिर जैसे जैसे शेप है उसको आपको उस तरीके से इसको पेंट करना है। आप चाहो तो कोई सा भी कलर यूज़ कर सकते हो, आप कोई सा भी कलर जो है यूज़ कर सकते हो। आप देख सकते हो हल्का हल्का ही, बस आप इसको टैप करोगे तो ये कलर होता चला जाएगा। इसको आपको मतलब जब आपका सॉल्ट सूख जाए उसके बाद ही पेंट करना। आप कोई सा भी कलर ले सकते हो। आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके का लगेगा। आप चाहो तो कोई भी कलर का यूज कर सकते हो। आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये हमारा एक्टिविटी यही कंप्लीट होता है। थैंक यू।